पैंतीस मैचों को ऐसे बलिदान करना, हम कोई रिश्तेदार नहीं खा रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे ब्लॉकों से माल उठाना चाहिए। एक दो बंदे से कहने से ये नहीं होगा कि वो माफिया है, वो कैसे माफिया बन गया, उसके कहने पर एक दो बंदे के कहने पर कैसे माफिया हो गया। भाई हम भी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारे ब्लॉक हैं, हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई लोगों ने तो जो ठेका ले लिया कि माइनिंग वाले को उनके पीछे पड़े, लीगल तरीके से भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी हरासमेंट हो रही है। एक दिन मैंने देखा अपनी पंचायत में कम से कम 20 गाड़ियों में एक एक सिपाही पुलिस के बैठे हुए गाड़ियों के, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरीके से बैठे हैं। अपने रियासी में बैठना चाहिए और अजी नाले की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अजी नाले में पंच भी है, सरपंच भी है, DDC भी है, और अजी नाले की उसने बात नहीं करनी चाहिए। अगर अजी नाले की बात करनी है तो उधर आके मौके पे आके लोगों के साथ बात करे वो, कि ब्लॉक बंद करने हैं आपने जहाँ खोलने हैं, और ब्लॉक में मशीनें लगी हैं सर, और पुलिस को रोज जानना तंग करता है सर। क्या मर्चा हो सकती है, कोई पर्सनल अपना बेनिफिट के लिए अगर कोई बोलेगा वो थोड़ी चलता है भाई साहब। छोटी मोटी डिपार्टमेंट को भी थोड़ी बहुत नजरअंदाज करना चाहिए, बाकी अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसके हित में नहीं है, गलत बंदे को गलत आदमी को सजा मिलनी चाहिए। रियासी का है जो पूरा अपना वो रखता है उधर, मगर लोगों का पूरी बाड़ियां जमीनें दब गई हैं उधर, और वो ऐसे रियासी में बैठ के पूरा अपना भाषण जाता है। बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार, मैं सरपंच प्रीतम सिंह, पंचायत हल्का सलाल कोटली, मेरे साथ जी बैठे हुए अपने रवि सरपंच जी, जहाँ मेरे अपने मोनी जी, अपने पेन साहब, बाकी सभी मेरे साथ PRA मेंबर जितने भी आए हुए हैं। हमारा आज मेन मकसद था जी कि जो अपना माइनिंग को लेके रोज़ नए नए सवाल उठते हैं, और ये अपने जो भी अपने हमारे PRA में के जो काम चल रहे हैं इसको ये बंद होने से हमारे सारे काम असफल हो रहे हैं। तो मैं सभी एडमिनिस्ट्रेशन वालों से, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को ये हदायत ये करूँगा कि जो भी गाड़ियाँ आती हैं तो अपना रेत लेके आती हैं, कोई बजरी लेके आती हैं, जो भी है, तो उनको जो इलीगल तरीके से जो आती है जो उनको तंग ना करें, बाकी जो इलीगल माइनिंग हो रही है, इलीगल जो भी काम हो रहे हैं उनको अपने तरीके से निभाएं। कुछ ब्लैकमेल को एक आधे लोग जो ब्लैकमेल रहे हैं, एक आधे लोगों को ब्लैकमेल करने से जो सारा काम बंद नहीं होते हैं, बाकी जे मैं यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर डिपार्टमेंट से, DC मैम से, SSP साहब से, चलो अपने काम को स्मूथली देखें और काम को अच्छे तरीके से चलने में मदद करें। चलो सरपंच होने के नाते नाते हम ठेकेदार भी हैं, अभी हमको अपने रोडों पर जो अपना माइनिंग का काम है, अपने कैंकरा डालना है, अपना GSP डालना है, बेडमिक्स डालना है, वो भी कहीं जहाँ से हमें उठाने की परमिशन नहीं है। अब परमिशन बनाते बनाते ही हमारे टाइम में निकल जाता है, इसलिए कि चलो छोटी मोटी डिपार्टमेंट को भी थोड़ी बहुत नज़रअंदाज करना चाहिए, बाकी अगर कोई गलत कर रहा है तो हम उसके हित में नहीं है, गलत बंदे को गलत आदमी को सजा मिलनी चाहिए। मतलब वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं। मेरी पंचायत में अपने भी दो ब्लॉक चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, माइनिंग वालों की तरफ से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई विडो लेडीज आ रही है, कोई BPL आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो उनको हम फ्री ऑफ कास्टिंग से अपना रेत दिलवा रहे हैं, जो भी मटेरियल है, हमें किसी ने मना नहीं किया उनको दिलवाने के लिए, विदाउट लोडिंग, सिर्फ गाड़ी का उनको किराया भरना पड़ता है। हमने कई हजारों के तादाद में, लाखों में, जिनके हजारों के तादाद गाड़ियां जो है हमने लोगों को फ्री ऑफ कास्ट माइनिंग वालों से, अपने जो भी अपने हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनसे दिलवाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम आधी रात को भी इनको बोलते हैं किसी को रेत चाहिए, बदली चाहिए, तो कभी मना नहीं किया उन्होंने। बाकी डिपार्टमेंट को ये देखना चाहिए, कम से कम चलो थोड़ी बहुत नज़रअंदाज करते हो, क्योंकि गलत को गलत बोलो, ठीक हो ठीक, लीगल तरीके से भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी हरासमेंट हो रही है। एक दिन मैंने देखा अपनी पंचायत में कम से कम 20 गाड़ियों में एक एक सिपाही पुलिस के बैठे हुए गाड़ियों में, तो मुझे समझ नहीं आई कि ये किस तरीके से बैठे हैं, क्यों इनके साथ हैं। फिर मैंने एक भाई को पूछा, भाई ये क्या बात है, बोलने के अंधेरे में गाड़ियों पर नीचे से ऊपर आ रही हैं, क्योंकि गाड़ियाँ जब लोड होती हैं 5-6 बजे लोड होती हैं तो थोड़ी बहुत देर रुकती हैं गाड़ियाँ, बहुत पानी छानी सारा उनका जब निकाल के फिर आगे आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है पर्ची उनको जोड़ी जा रही है, पूछ जा रही है, थोड़ी देर रुक भी जाती हैं अगर, तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ियाँ लेट आवर्स में वहाँ से आएंगी, तो लेट आवर्स आएंगी तो उन्होंने जाना तो है, तो गाड़ियों वालों को भी इतनी दिक्कत आ रही है। अब किस्तें घर से तो किसी ने देनी नहीं है, सभी डिफॉल्ट लोग, हम खुद बोलेंगे हमारी अपनी गाड़ियाँ हैं, हम खुद डिफॉल्ट हैं बैंक से कि अपना किस्तें नहीं भर रहे हैं, जब गाड़ियाँ चलेंगी तो किस्तें कहाँ से भरेंगे। चलो हम मानेंगे एक ऐसा सोर्स था जिससे ट्रांसपोर्टरों की अपनी रोजी रोटी लगी हुई है। जब भी हमारी गाड़ी जो भी नाले में जाती हैं तो हमें बोलते हैं कि ये आपकी पर्ची डुप्लीकेट है, असली पर्ची नहीं है, लेकिन ये तो अगर किसी वजह से कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है या पर्ची में कोई गड़बड़ी है, ये तो सरकार ने देखना है, उनको ढंग से दे, DMO साहब देखे पर्ची कौन सी देनी है, ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को कौन सी नहीं देनी है, वो तो उन्होंने उनका देखना उनका फर्ज है, ना कि जो मतलब माइनिंग करने के लिए किसी ने छोटी मोटा अगर ट्रैक्टर डाला है, कोई टिप्पर डाला है, कोई डैम्पर डाला है, पहले ही पता है आपको कोरोना की मार से कितने हम लोग पहले ही मतलब दुखी थे, पहले 2 साल पहले माइनिंग बंद रही,
जब से ये कॉन्ट्रैक्टर ने ठेका लिया हुआ है, ये अपनी तरह से अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो इनको कहाँ दिक्कत आ रही है? अगर कॉन्ट्रैक्टर को हम बोलते हैं कोई PMAY का मकान बन रहा है, जहाँ कोई विडो लेडीज है, जहाँ कोई मतलब कोई भी किसी के लिए मनरेगा के लिए कोई मेरा चाहिए, तो हम उनको कॉल करते हैं। इन्होंने पब्लिक हेयरिंग में हमें बोला भी है, DMO साहब साथ में थे, DC मैडम साथ में थे, जब पब्लिक हेयरिंग हुई हर जगह तो इन्होंने बोला था कि सपै साहब आप कॉल करेंगे, अगर कोई गरीब होगा तो उसको गाड़ी हम कॉन्ट्रैक्टर फ्री देंगे। वो दे भी रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें बार बार तंग कर रहे हैं। आज भी सुबह जब गाड़ियां हम बेचते हैं, बोलते हैं तेरी पर्ची जे है वो है, तो हमारे काम है आपको पता सब्र कर रहे हैं। PRI कैपेक्स बजट, DDC BDC जितना भी फंड्स है, PMGSY PWD जितने भी डिपार्टमेंट, आपको पता अभी 31 मार्च हमारे सिर पर है। कई लोगों ने तो कोई जे ठेका ले लिया कि माइनिंग वाले को उनके पीछे पड़े हैं, इनको जे नहीं पता किसी ने अपना पेट कैसे पाला, किसी ने बेचारे गरीब ने कोई गाड़ी अगर डाली है तो उसका बड़े बच्चे उसने किस ढंग से पाले हैं, या गाड़ी की किस्त कहाँ से उसने भरनी है, पिछले लॉकडाउन से उनको उसने किस कैसे भरी होगी, उनको ये पता नहीं है। आज जाके अगर गाड़ी कोई दिखती है तो पुलिस वाले भी उसके पीछे दौड़ जाते हैं, और जो DMO है उसके बाद वो एक ट्रैक्टर का 13-13, 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना ले रहे हैं, तो वो बंदा कहाँ से गरीब दे पाएगा? आपको पता ये इतनी बुरी हालत हो गई है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से SSP सर को, DC मैडम को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे काम सफल ना हो, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो जनता है, जिन्होंने कोई काम अपना घर में लगाया है, जहाँ कोई हमारा गवर्नमेंट का काम चल रहा है, हमें तंग ना किए जाए। हम जितने भी PRI मेंबर हैं, हम इसके बाद अच्छा प्रोटेस्ट करेंगे सारे इकट्ठे होके। आज के बाद अगर इन्होंने दोबारा हमें तंग करने की कोशिश की तो हम इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे, पूरा जितना भी हमारा सरपंच है, उसके साथ पंच भी है, BDC DDC सब इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करेंगे कि जो बार बार हमें तंग करेंगे। मेरा जो एरिया पड़ता है नंबल का, जो हमारा ब्लॉक है, तो जहां तक मैंने देखा है, आज से 2 साल पहले जो माइनिंग का जब नया नया काम जहां स्टार्ट हुआ, तो लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा जहां माइनिंग के लिए। तो मुझे लगता है अभी 1.5-2 साल से, साल के करीब करीब जो हमारा माइनिंग का काम चल रहा है, बड़ा स्मूथली चल रहा है। हालांकि मेरी पंचायत में जो ब्लॉक है नंबल वाला, हम खुद देख रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है वहाँ किसी किस्म का, कोई इन्होंने माइनिंग वालों ने कोई गलत काम वो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी ठेकेदार ने टेंडर लिया है, ऑप्शन करवाया है गवर्नमेंट ने, उसने पैसे दिए, हाँ भाई, अगर वो गाइडलाइन से बाहर जा रहा है तो फिर तो आप उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप पूरे तरीके से काम कर रहा है तो उसको हरासमेंट करने की क्या जरूरत है? देखिए, अगर वो आप उनको परेशान करोगे, पुलिस डिपार्टमेंट अगर उसको परेशान करेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन उसको परेशान करेगी, गाड़ी वालों को अगर रोका जाएगा, तो काम किसका बंद होगा? हमारे लोगों का काम बंद होगा ना, तो गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो लोग कहाँ जाएंगे? अभी 31 मार्च चल रहा है, लोग कहाँ जाएंगे, कैसे काम पूरा करेंगे अपना? अगर देखिए, पीछे हमें पता है लोगों को जहां माइनिंग नहीं मिल रही थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने रेलवे को पूरा सप्लाई दी, उनको हमारे ब्लॉक से उठा के सप्लाई दी थी, हमने कभी मना नहीं किया, लेकिन हमारा काम स्मूथली चल रहा है, तो फिर परेशान करने की क्या जरूरत है? एक दो बंदे से कहने से ये नहीं होगा कि वो माफिया है, वो कैसे माफिया बन गया? उसके कहने पर, एक दो बंदे के कहने पर कैसे माफिया हो गया? भाई, हम भी लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमें पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, हमारे ब्लॉक हैं, हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप एक दो लोगों से अगर आप उनपे विश्वास करके आप गलत तरीके से अगर कोई किसी गाड़ियों को चलान करेंगे, जहां उनको सीज करेंगे, ये कैसा होगा? ऐसे थोड़ी चलता है, एक दो बंदे के कहने से नहीं होता है। आप हकीकत देखिए, ग्राउंड में देखिए डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। अगर वो इलीगल कर रहे हैं, अगर किसी दूसरे ब्लॉक से अगर वो माल उठा रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? उनको प्रॉपर तरीके से आपने निशानदेही नहीं दी है? जहां तो उसकी निशानदेही करो ना, तारबंदी कर लो। अगर आपको कोई परेशानी आ रही, भाई दूसरे तरीके से ब्लॉक कर रहा है, माल उठा रहा है, ऐसा नहीं चलता है। ऐसे क्या मर्चा हो सकती है? कोई पर्सनल अपना बेनिफिट के लिए अगर कोई बोलेगा, वो थोड़ी चलता है भाई। अगर गवर्नमेंट ने इसका टेंडर करवाया है तो भाई साहब, वो माल ठेकेदार ने माल उठाना है, लेकिन आपकी क्या गाइडलाइन है वो डिपार्टमेंट देखें। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं कि पीसफुल तरीके से, हमें लगता है जो एक साल से जो माइनिंग हो रही है बड़ी अच्छे तरीके से चल रही है, इसको चलने देना चाहिए कंटिन्यू। किसी गाड़ी वालों को परेशान नहीं होना चाहिए, किसी ठेकेदार को परेशान नहीं होना चाहिए, किसी भी आम पब्लिक को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसलिए प्रॉपर तरीके से जो काम चल रहा है, इसको चलने देना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट के जो काम चल रहे हैं ये पूरे हो सके।